नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। तो जीटी सेवन ब्रास के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हम जाते हैं कैटरीना की हाइडआउट पे, और वहां पर जाने के बाद जो कैटरीना है वो हमसे ब्रेकअप कर लेती है, और फिर उसके बाद जो है हम जाते हैं उसके साथ एक बैंक में रॉबरी करने के लिए। वहां पर जैसे हम जाते हैं ना, तो कैटरीना जो है बैंक की तिजोरी को खोल के सारे जो पैसे है वो लूट लेती है और हम ऑफिसर को मार देते हैं। इसके बाद जो पुलिस है वो हमें चारों तरफ से घेर लेती है, तो जैसे तैसे करके हम पुलिस ऑफिसर्स को मार के उनकी बाइक को चुरा के हम वहां से भाग जाते हैं, और कैटरीना को जो है मैं छोड़ देता हूँ उसके घर पर। फिर जो है कैटरीना यहाँ पे कार्ल से बोल देती है चिकली, क्योंकि वो हमेशा एक चीज से चिपका रहता है कार्ल, इसी चक्कर में हम जो है आज से उससे मिलने के लिए नहीं जाने वाले हैं, और हमने ना उससे भी ब्रेकअप कर दिया है। मतलब पहले तो उसने हमसे ब्रेकअप किया था, बट अब जो है हमने भी उससे ब्रेकअप कर दिया है, तो आज से जो है हम उसके पास नहीं जाने वाले हैं और आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ना लास्ट वाले एपिसोड में ये वाला जो घर है इस कंट्री में ये जो है परचेस कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं जो है कैटरीना के हाइडआउट पर रहना नहीं चाहता था। इस चक्कर में यहाँ पर ये जो घर है ये तो मैंने परचेस कर लिया था। मेरे हिसाब से ना अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और राइट, और यहाँ पर ये थी पुलिस की बाइक जो कि मैंने यहाँ पर चुरा ली थी पुलिस ऑफिसर से। बट अभी ना फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे जो है सेसर से मिलने के लिए जाना है, तो फटाफट से जो है मैप में मार्क लगा लेता हूँ उस सेसर का। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है मैंने मैप में तो मार्क लगा लिया है, और अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अभी सेसर है वो फिलहाल के लिए रेड कंट्री में है, और यहाँ पर जो यहाँ पे स्वीट की बहन है यानी कि जो मेरी बहन है वो अभी ना यहाँ पे सेसर के पास ही है फिलहाल के लिए, वो वहीं पर रुकी हुई है। बट यहाँ पर पता नहीं है जो सेसर है इसने मुझे यहाँ पे क्यों बुला हुआ था। लास्ट टाइम मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, उसके यहाँ पे कॉल तो आया था मेरे हिसाब से, वो ना किसी रेस के बारे में जो है मुझसे बात करने में लगा हुआ था। पता नहीं यहाँ पे रेस वगैरह जो है किस टाइप की होने वाली है, बाइक रेस होने वाली है या फिर यहाँ पे माउंटेन बाइक की जो रेस है वो होने वाली है, या फिर यहाँ पे सिर्फ एक कार वगैरह की जो पुलिस है मतलब की जो रेस है वो यहाँ पे होने वाली है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे रेस वगैरह होती है तो यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो तो यहाँ पर पीछे पड़े जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेड कंट्री में जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आसपास जो है चली रही हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं जो है उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर जो रेस है वो स्टार्ट होने वाली है। बट ये जो जगह है ना ये मुझे रेस की नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़रूर किसी ना किसी डर्ट बाइक की जो मतलब की जो माउंटेन बाइक की जो रेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है मुझे अभी एक रेस कार चाहिए, और रेस कार के लिए तो यहाँ पर मुझे एक कार जो है ढूंढ के लानी होगी, और जो कार है वो तो यहाँ पर किसी भी गैराज के अंदर नहीं रखी हुई, यानी कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो अंदर की तरफ जाना होगा, यानी कि सबसे पहले जो है हाईवे के पास जाना होगा, और उसी के बाद यहाँ पर मैं इस रेस को जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। बाइक मतलब एक रेस कार लेके आना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करता हूँ, ये वाली जो कार है ये यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये किसी पुलिस वाले की तो है नहीं, और दो लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। ठीक है, अभी इसको जो है वहाँ पर ट्राई करता हूँ रख के कि यहाँ पर इससे जो है मैं रेस कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अगर इससे रेस करूँगा तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। ऑल राइट, तो ये रेस कार ही है। तो मेरे हिसाब से अभी तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑल राइट, ये रहा। Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. मेरे हिसाब से जो बंदा है चाइनीज है, इसका नाम भी वू ज़िमू है, और ये से हाथ मिलाना नहीं चाहता सीजे अपना। Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. All right, तो यहाँ पर जो है मुझे अपनी कार जो है स्टार्ट कर लेनी है। मेरे हिसाब से मुझे जो किसी की और की कार जो है वो चुरा लेनी होगी। Be careful, CJ. For sure. और ये जो सेजर है ये भी जो है मुझसे केयरफुल होने को बोल रहा है, पता नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। बट मेरे पास मेरी कार है, शिट, ये जो कार है कुछ ज़्यादा खास नहीं चलती, और मैं जो है हारने वाला हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में जो है पीछे की तरफ हो चुका हूँ। ऑल राइट, अभी जो है मुझे ध्यान से अपनी जो गाड़ी है ये यहाँ पर चलानी होगी, और सारे के सारे जो चेक पॉइंट्स है ये यहाँ पर कवर करके जो है चलने होंगे। ऑल राइट, ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा जो बैलेंस है इस गाड़ी का बिगड़ रहा है। मेरे आगे मेरे हिसाब से वही नई वाली गाड़ी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है ये। तो मुझे भी एक नई गाड़ी लेके आनी थी, मैंने भी गलती कर दी। बट फिलहाल के लिए जो है मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ, और मेरे आगे तो फिलहाल कोई भी नहीं है, तो मुझे ज़रा संभाल के चलाना होगा। अगर मैंने ये जो पोजीशन है लूज़ कर दी तो प्रॉब्लम वाली बात जो है हो सकती है। एक सेकेंड, पानी में नहीं गिरना है मुझे।
बाल बाल बच गया मैं यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ पर भी जो है मुझे आराम से जो है लेके जाना होगा गाड़ी को। ठीक है, ये यहाँ पे किस टाइप की रेस बनाई हुई है भाई इसने, इतनी ज़्यादा खतरनाक रेस। ठीक है, यहाँ पे जो रेस है मतलब ये जो सिटी है यहाँ से होते हुए आ रही है, और रास्ते में अगर किसी की गाड़ी वगैरह ठुक गई ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, मेरे पीछे तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए कोई भी नहीं होगा, और मैं देखना भी नहीं चाहता फालतू में क्यों उनके ऊपर ध्यान लगाऊँ जो लोग मेरे पीछे हैं। ऑल राइट, अभी किधर से जाना है, एक सेकेंड, गलती कर दिया मैंने, गलती कर गया मैं जो है यहाँ से आ गया, रॉन्ग साइड से आ गया। ऑल राइट, अब ये जो है मेरा रास्ता रुकेगा, हट जा भाई, हट जा हट जा। ऑल राइट, बच गया मैं यहाँ से। ये रहा मेरे हिसाब से मेरे पीछे ना जो कार्स हैं वो मेरे आगे जो है जल्दी से जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ इन चेक पॉइंट्स को जो है कवर करने में। अभी जो है आराम आराम चलाना होगा बिना गाड़ी ठोके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पता नहीं है जो रेस है कितनी लंबी है यार, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, नाम ही नहीं, बच गया मैं, बच गया, नहीं 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 नहीं। ऑल राइट, यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल बाल बाल बच गया, बट फिर भी जो है मैं फ़िलहाल के लिए तो फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, और पीछे की तरफ पता नहीं कौन कौन से जो रेसर्स हैं वो होने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब तक तो मेरे हिसाब से जो मेरी रेस है वो कम्प्लीट हो जानी चाहिए थी अगर यहाँ पर मैं किसी फास्ट कार का जो यूज़ है वो यहाँ पर करता तो। बट फिलहाल तो अभी इसी कार से जो है काम चलाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं फास्ट कार का यूज़ भी करता ना तो वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिपेंड जो चीज़ करती है वो है यहाँ पर ड्राइवर, क्योंकि मुझसे भी फास्ट कार जो है बाकी के जो मेरे रेसर्स हैं वो चलाने में लगे हुए हैं, बट तब भी वो जो है मेरे आगे की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और राइट, फिर तो यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ रोड पे, और मेरे हिसाब से जो रेस है वो ख़त्म होने ही वाली है, लगता तो मुझे ऐसा ही है। बट यहाँ पर काफ़ी सारे जो चढ़ाई हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, आगे की तरफ एक और चेक पॉइंट है। पता नहीं ये जो रेस है ये फ़िलहाल के लिए कब ख़त्म होने वाली है। ऑल राइट, ये भी ख़त्म हो गई, अभी आगे की तरफ एक और चेक पॉइंट है। सामने की तरफ, पीछे की तरफ कोई गाड़ी है क्या, दिखाई तो मुझे दे नहीं रही है, मेरे हिसाब से पीछे की तरफ कोई गाड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, अभी यहाँ से और ऊपर की तरफ जो गाड़ी है ये लेके जाना है। हीरा एक मेरे हिसाब से ये जो है लास्ट चेक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरो वगैरह नहीं है। नहीं, अभी ये भी लास्ट पर चेक पॉइंट नहीं है, बच गया मैं फिर से। ऑल राइट, अभी एक और आगे की तरफ चेक पॉइंट आ गया है, पता नहीं है जो रेस है ये मुझे कहाँ पर लेकर आ गई है। मेरे हिसाब से मैं उसी वाली जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने जो रेस है वो स्टार्ट की हुई थी। ऑल राइट, तो ये मेरे हिसाब से जो है फिनिश पॉइंट आ चुका है, और यहाँ पर जो है मुझे मिल चुका है $5,000, और मैंने 3 मिनट 13 सेकंड में जो रेस है कंप्लीट कर दिया है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपने इस रेस को कितने टाइम में जो है कंप्लीट कर दिया था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, मुझे ना यहाँ पे एक न्यू कार मिल चुकी है। I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Yeah, I might just do that. ऑल राइट, तो जो पुलिस है वो यहाँ पे आ चुकी है, और मुझे पैसे भी मिल चुके हैं, और पैसों के साथ साथ जो है मुझे एक कार भी मिल चुकी है, वो भी एक रेसिंग कार जिसकी कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। एक सेकंड, वो कार किधर गई, वो कार तो यहीं कहीं होनी चाहिए ना, वो अभी छोड़ के गया था ना। एक सेकंड, वो जो कार है वो यहाँ पे गायब हो चुकी है। ऑल राइट, बट मुझे जो पैसे हैं उसकी हेल्प से मैं एक नई कार परचेज कर सकता हूँ, ये वो कार तो नहीं है। ऑल राइट, तो वो यही कार है, और इस कार को जो है मैं लेके सबसे पहले तो अपने जो घर है वहाँ पर जाके रख दूंगा, और उसी के बाद जो है यहाँ पर मैं बाकी के जो काम है वो करने वाला हूँ। वैसे जो कार है देखने में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये जो कार है ये आपको कैसी लग रही है। तो GTA San Andreas के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ GTA San Andreas के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा।